पूछ के मत आना, ऐसे ही आ जाना। पूड़ियां भी बची हैं, मैं सही टाइम पे आ गई। केला टॉफी भी मैं छोटी हूँ। बहुत नसीब से मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ नेहा दीदी के घर, नेहा दीदी से मिलने जा रही हूँ। और मैं क्यों जा रही हूँ उनके घर, उनसे मुझे क्यों मिलना है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरी और नेहा दीदी की बालकनी ना आमने सामने, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो फ्लावर लगे हुए हैं, आपने उनकी वीडियो में भी देखे होंगे ये फ्लावर। तो हम दोनों की बालकनी ना आमने सामने पड़ती है, पीछे वाली बालकनी है ये। तो ये हम लोगों की किचन की बालकनी है, आप वो वाली बालकनी देख पा रहे होंगे, वो नेहा दीदी की बालकनी है और ये मेरी बालकनी है। तो हम लोगों को जैसे कभी बात करनी होती है तो आमने सामने से हो जाती है बात। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा मैं क्यों जा रही हूँ मिलने। मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं तासी से भी मिलूंगी। बहुत ही क्यूट है ना वो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैंने लॉक कर दिया है और अब मैं जाने लगी हूँ नेहा दीदी के घर। तो मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे ब्लॉक में रहती हूँ, वो दूसरे ब्लॉक में रहती हैं, और लेकिन हम दोनों की बालकनी आमने सामने है। ये रहती हैं इस वाले ब्लॉक में और मैं रहती हूँ इस वाले ब्लॉक में। और ये है नेहा दीदी का घर। तो मैं आ गई हूँ दीदी के घर। देखिए बीमार है। हाँ, फाइनली आ गई महिमा सामने के सामने से। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ दीदी के। हाँ, वो भी कितनी बार फोन करके पूछ रही दीदी मैं आ जाऊँ, दीदी मैं आ जाऊँ। अरे मतलब मुझे सोचना पड़ रहा था। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, ऐसे आवाज निकल रही, नहीं तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ, कल तो बहुत वो तुम्हारा वो क्या स्पेस फुल है क्या? नहीं चल रहा है मेरे में, आ जाता है स्पेस फुल हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, मैं आगे के ब्लॉग डिलीट नहीं करती ना, फिर मेरे को रोकना पड़ता है, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ता है। देखो क्या हालत हो गई है। आज मैंने सोचा था कि आज मैं शूट करूंगी, पर मेरे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैं कल करूंगी अगर हो सका। अभी दीदी वायरल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश बिन बारिश वो बिन मौसम बारिश हो रही है। बहन मैं तो मतलब महीने में दो बार तो बीमार पड़ने ही पड़ना है। क्या ऐसे पूछ के मत आना, ऐसे ही आ जाना। मैं आई थी ना शिफ्ट हुई थी, तब पूछ आई थी बालकनी से, मैंने देखा था आवाज आई थी ना, तब मैंने हेलो बोला था आपको। फिर मैंने बहुत कोशिश की दीदी से मिलने की, लेकिन ऐसे आ जाओ तो ऐसे ही पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो मतलब जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि दीदी करती है, अगर मम्मी हुई यहाँ पे तो मैं बुटीक में, अगर मम्मी नहीं हुई तो मैं यहाँ। और भाई तो मिल गई ना, मम्मी बात तो हाँ बात करते हैं। चलो शाम भी हो गई, ठीक है दीदी, बाय। और आना जल्दी ठीक है। फाइनली मैं दीदी से मिलकर आ गई हूँ और हमारे यहाँ ना यहाँ पर कन्या भोज हो रहा है। यहाँ पे अलग से मंदिर में माता रानी रखी हुई थी, तो यहाँ पर भी कन्या भोज चल रहा है। गार्डन में भी माता रानी रखी थी, आपने देखे होंगे मेरे काफ़ी ब्लॉग देखे होंगे जो गार्डन में माता रानी रखी थी, और यहाँ पर मंदिर में भी रखी हैं। तो मैं आपको कन्याएं दिखाती हूँ। देखो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। और आपने कर लिए भोजन? आप भी? अपन को सच में हम बैठ के। हाँ, और हमारी जो अनामिका दीदी हैं जो कि कन्या जो कन्या हो रही हैं उसमें सहयोग कर रही हैं। देखिए आप पूरी बेल रही हैं,
नहीं जरूरी भी है हेल्प करना, जरूरी हाँ जरूरी है हेल्प करना, बट मैं आ नहीं पाई हूँ। अब मैं देखती हूँ थोड़ी, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी मैं भी हेल्प कर दूँ। दो पूड़ी बची है, चलो दो पूड़ी, हाँ मेरा भाग्य कि दो पूड़ियाँ भी बची हैं, मैं सही टाइम पे आ गई हूँ, दो बची हैं, मैं दो बना लेती हूँ। ये देखो भाई पूड़ी बना रही है, पर इनकी गोल पूड़ी नहीं है, लंबी पूड़ी बना रही है। देखिए मैं बहुत अच्छी पूड़ी बनाऊंगी, आप लोग जरूर खाना इसे। पर ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब पता नहीं फूलेगी कि नहीं फूलेगी, ये मुझे नहीं है पता। अभी एक और है तुम बेली। हाँ अभी एक और बची, दो पूड़ी बेली है, दो पूड़ी का पुण्य कमा लिया, इतनी खाएंगे कैसे। महिमा को दो ही पूड़ी मिली, मैंने दो पूड़ी बेली है और मैं दो ही खाऊंगी क्योंकि मुझे कोई देगा नहीं दो ही। नहीं बराबर खा, बराबर खा, ऐसे ही बिना बोले। देखो कितनी अच्छी लग रही है। कौन दीदी अच्छी लग रही भाई? अब तो सबको ही बोलना पड़ेगा। दीदी अच्छी लग रही, दीदी अच्छी अच्छी लग भी रही है, लोग बहुत अच्छे हैं सच में, रियली बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? महिमा। थैंक यू। देखो ये देखो आप टॉफी में बिस्किट, मतलब ये केला। टॉफी में मैं छोटी हूँ, आज सब छोटी है, स्वागत में छोटी है। ये ले लो महिमा वाला। अब मैं मंदिर में भी भंडारा खा रही हूँ, बहुत नसीब से मिलता है भंडारा। और ये मेरा दूसरा भंडारा है, आपने क्लब हाउस वाला मतलब गार्डन वाला भंडारा देखा होगा। और ये मंदिर पे माता रानी रखी थी तो ये वाला भंडारा है। हम लोगों को जरूर ये प्रसाद लेना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या बना है। क्या क्या बना दीदी? खीर, पूड़ी, छोले, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बना है, बहुत अच्छा। भंडारे की बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा।